मिशन शक्ति कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में चल रहा है। मैं सुनील कुमार आनंद, नोडल समन्वयक बालिका शिक्षा, एक छोटा सा प्रयास जिससे बच्चों के बीच में जागरूकता आए और महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर 1090, 1098, 112 इन सब के बारे में जानकारी दी गई बेटियों के द्वारा, एक संदेश समाज में जिससे हम आने वाले अपराध को कैसे इन हेल्पलाइन के नंबर के द्वारा बच सकते हैं और ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र हैं ये बताने का एक प्रयास बेटियों के द्वारा किया गया। मिशन शक्ति हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, एम्बुलेंस सेवा, स्वास्थ्य सेवा, पुलिस हेल्पलाइन, इस सब को एक देवी अवतार मिशन शक्ति के रूप में प्रदर्शित करते हुए कि ये हमारे हेल्पलाइन हैं जिनकी सहायता से हम होने वाले अपराध को कम करके नारी सुरक्षा, नारी स्वाभिमान और नारी स्वावलंबन को बढ़ा सकते। मैं साक्षी यादव, क्लास सिक्स जे एच एस बाबा मिठिया वजीरगंज गोंडा। आप लोगों को मैं आविष्कारक सुनाना चाहती हूँ। टेलीविजन जो है, रेडियो जुमर को, टेलीफोन ग्राम में, कैलकुलेटर भी पास का, कंप्यूटर चार्ज भी, साइकिल मैन, फाउंटेन पेन, वाटर मैन, मोटर कार, हेंट्री फायर, महाद्वीपों के नाम, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। भारत किस महाद्वीप में है? एशिया। वेरी गुड। यहाँ पर डिजिटल बोर्ड की वजह से हम नई नई वीडियोस देख रहे हैं। हमने आज यहाँ पर देखा कि डायनासोर कितने प्रकार के होते हैं और कितने विशालकाय होते हैं। इससे हमारे स्कूल में बहुत परिवर्तन आया। आज हम बहुत खुश। मेरा नाम अनिल कुमार मौर्या है। मेरे स्कूल का नाम जेसु बावटी और जीकन गोंडा है। मैं कक्षा 8वीं पढ़ता हूँ। इस डिजिटल बोर्ड की वजह से हमारे स्कूल में बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत अच्छा लगता है। और मठिया का रहने वाला हूँ। हमारा लड़का कक्षा 8 में बाबा मठिया स्कूल में पढ़ता है और अच्छी पढ़ाई होती है। मास्टर भी यहाँ के अच्छे हैं। काफी पढ़ाई बहुत तेजी से हो रहा है और अलग जैसे बच्चे हमारे प्राइवेट में पढ़ते थे वहाँ से हमने हटा करके यहाँ पर लाया। ये देखा कि यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, इसलिए हमने नाम यहाँ पर लाया, लिखवाया। और उसी ही दिनों में हमको फर्क लगा कि हाँ, ये स्कूल बढ़िया है, मास्टर भी अच्छे हैं, यहाँ के सभी सब ठीक ठाक है, व्यवस्था भी अच्छा है। यहाँ पर प्रोजेक्टर की जो है यहाँ पर मशीन लगी हुई है और उससे बच्चे पढ़ाई में बहुत आगे जा रहे हैं, इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं। और हम अपने अधिकारी और मास्टर जो भी यहाँ पर हैं सभी के ऊपर हमारा जो है अच्छा मन कह रहा है कि हाँ, सभी लोग बहुत अच्छी सी पढ़ाई करते हैं, इनके ऊपर हमको बहुत भरोसा है, बहुत अच्छा है। हमारा नाम प्रेमा देवी है, चंदापुर बाबा मिठिया रहने वाली। बाबा मिठिया स्कूल में हमारा लड़का पढ़ रहा है, दूसरे स्कूल से लाए यहाँ पर नाम लिखा है, अच्छा पढ़ाई हो रहा है, उससे हम सब संतुष्ट हैं। करके दौड़ लगा के इतनी बड़ी चिंकी बेटी, मिंकी बेटी, कितनी बड़ी योगा करके दौड़ लगा के इतनी बड़ी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, हम उससे बात करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि इस बच्ची ने अपनी लेख और अपनी पेंटिंग से प्रदेश में 300 बच्चों में प्रथम स्थान हासिल किया है। ये बच्ची मेरे साथ मौजूद है, हम इसी से बात करेंगे और जानेंगे कि इसका नाम क्या है, कहाँ है। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम
जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें मैंने चित्र और लेख लिखा है। क्या बनना चाहते हैं सर? मैं आगे चलकर चित्रकार बनना चाहती हूँ। ये किसके सर से ये सब हुआ? सर मैं मार्गदर्शन सुनी जो मेरे सर मेरे माध्यम। कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ पे भी आपको सम्मान मिलेगा। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या करना चाहते हैं? सर मैं ऐसे ही चित्र बनाती रहूँगी और जैसा आपने देखा इस बच्चे ने कहा कि हम आगे चित्रकार बनना चाहते हैं। इस बच्चे ने अपने मेहनत से और अपने परिश्रम से और अपने गुरु के सहयोग से इसने एक लेख और एक पेंटिंग जो कि 300 बच्चों में प्रथम स्थान इसको हासिल हुआ और इसे पुरस्कार भी दिया गया। गोंडा से प्राइम न्यूज़ के लिए विपिन सिंह।